दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको पावर पॉइंट के फॉन्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको स्लाइड ब्लॉक के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जानकारी दी थी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉन्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शंस के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहां पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी टेक्स्ट यानी किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया है। दोस्तों यहां पर फॉन्ट का जो ब्लॉक है वो टोटली पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करता है। तो जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट पर यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके सभी ऑप्शंस यहां पर अनहाइड हो जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन यहां पर फॉन्ट स्टाइल का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल में आप इसे रखना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ से अपने फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से भी अपने फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो जिस भी टेक्स्ट को आप यहाँ पर करना चाहते हैं डबल टैप करके उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की को आपको प्रेस करके रखना है। अपने कीबोर्ड से आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का इस्तेमाल करना है। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज का जैसे आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप यहाँ पर आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। हम ये चाहते हैं कि हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके अंदर की है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है उसके ऊपर से जितनी भी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी यानी उसका साइज़ बड़ा किया था या फिर उसका हमने फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर चेंज किया था वो टोटली यहाँ से हट चुका है। कंट्रोल जेड की मदद से हम इसे वापस से जैसा था वैसा ही कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है बोल्ड का। तो बोल्ड का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर जंप करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में से हम किसी भी लाइन को एक सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वो जो लाइन है वो यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है। यानी ये हाईलाइट करके अगर आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन या फिर किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो बोल्ड की मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इटैलिक का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो हेडिंग है इसको हम यहाँ पर इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो कंट्रोल ए की मदद से हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो है टेक्स्ट शेडो का। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के बैक साइड में एक हल्की सी शेडो आपको दिखाई दे तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ के पीछे एक हल्की सी शेडो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से स्ट्राइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने इस मैटर के अंदर आप दिखाना चाहते हैं कि भाई ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये गलत है, तो इसको आप काट के तो दिखा नहीं सकते, तो आप यहाँ पर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी पैराग्राफ हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक लाइन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग का आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के बाद हम इसके बीच में टेक्स्ट का स्पेस इन्हेंस करना चाहते हैं यानी टेक्स्ट का स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप यहाँ पर क्लिक करके इसे लूज करना चाहें, वेरी लूज करना चाहें, टाइट करना चाहें, तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन दिखाई देता है। चेंज केस में 5 तरह के चेंज केस होते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज केस है आपका सेंटेंस केस, जिसमें आपके पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सभी वर्ड यहाँ पर स्मॉल होते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोअर केस है, जिसमें आपके पैराग्राफ का जितना भी वर्ड होगा वो टोटली यहाँ पर लोअर केस में आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके पास जितना भी मैटर आपका लिखा हुआ है वो टोटल कैपिटल वर्ड में आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका टोटल जो भी मैटर हमारा लिखा हुआ था वो यहाँ से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप कैप्सलाइज ईच वर्ड का भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें हर एक पैराग्राफ का पहला वर्ड यहाँ पर कैपिटल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आर का ए और यू का वाई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टुगल केस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ का पहला वर्ड स्मॉल और बाकी सारे वर्ड यहाँ पर कैपिटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हाईलाइट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है।
जिस भी लाइन को या जिस भी वर्ड को आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके इस वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ पर जाते हैं और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हाइलाइटर पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पेंसिल यहाँ पर बन के आ जाएगी और जैसे हम इसे जिस भी पैराग्राफ पर ड्रॉ करेंगे उतना एरिया ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट होता चला जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको इस पर जा करके एक बार और क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं हाईलाइटर यहाँ से हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हाउ टू प्ले का कलर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक से हटा करके इसको हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसकी मदद से आप इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉन्ट ब्लॉक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।